अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीक गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, फैंटास्टिक एंड फैबुलस। वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा होगा कि वीडियो किसके बारे में। फाइनली आई गॉट माय ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा। मैंने जो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा जो अप्लाई किया था, मैंने जो प्रोसेस स्टार्ट किया था एडमिशन और वीज़ा का जो प्रोसेस स्टार्ट किया था वो मैंने जनवरी 2022 में किया था। और नो आई फाइनली जो 2022 अक्टूबर फाइनली सॉरी सितंबर में आई गॉट माय ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा। तो इस वीज़ा की जो प्रोसेस के दरमियान जो मैंने स्ट्रगल देखी, जो अप्स एंड डाउन देखे, एंड आई विल शेयर विद यू। और मैं थोड़ी सी आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि मैंने ये मेरे को सच में कोई प्लान नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया जाने का या किसी फॉरेन कंट्री में एजुकेशन का कोई मास्टर का कोई प्लान नहीं था। एक दिन मैं और मेरी कज़न और मेरे एक छोटे भाई जो हैं ज़ुबैर, वो खाना खाने गए। तो वहाँ पे बात कर रहे थे कि मेरी कज़न ने पूछा, वो बाय प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, उन्होंने पूछा कि अभी आपने आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, आपके फाइनल्स हो गए, तो अभी आपका क्या प्लान था। तो सच में मेरा कोई प्लान नहीं था कि क्या करने का। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए अप्लाई करें। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू की। पहले मेरा माइंडसेट कनाडा की तरफ हुआ, मैंने बोला कनाडा की तरफ चलते हैं, कनाडा क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है। और कनाडा में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, असल मेरा माइंडसेट था बाहर जाने का, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मैं मतलब कि सोच नहीं पा रहा था कि ये भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं बाहर जा सकता हूँ। तो इसमें मैं क्रेडिट अपने भाई को देता हूँ, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और उसके बाद मैंने अपने जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। तो उसके बाद मैं सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद मैं अपने अम्मी अब्बा जो हैं उनके शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद मैं अपने भाई के शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की। तो अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का अजर देगा। तो मैं आपको स्टोरी सुना रहा था। तो हम खाना खाने गए, उन्होंने बोला किस तरह अप्लाई करो, मैं फिर मैंने आस्ता आस्ता मतलब ऑप्शंस देखना शुरू किए कि मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले मैंने कनाडा को टारगेट करना शुरू किया, लेकिन कनाडा में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से और कुछ उनके जो डॉक्यूमेंटेशंस और कुछ उनके जो लीगल रेगुलेशंस की वजह से मैं कनाडा से पीछे हट गया। क्योंकि उनके जो जब आप एडमिशन या वीज़ा अप्लाई करते हो तो कुछ आपको कुछ सर्टन अमाउंट जो है ना, आपको वो डॉलर्स वो ब्लॉक करने पड़ते हैं, वो आप विदड्रॉ नहीं करवा सकते अनटिल आप वहाँ पे जाके आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो फैमिली है वो विदड्रॉ नहीं करवा सकती, जिसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था यूके का। यूके का जो इमिग्रेशन है वो बहुत वीज़ा तो सच बहुत जल्दी आ जाता है स्टूडेंट वीज़ा, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा के बाद जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा है। पीआर के चांसेस बहुत कम थे, मेरी रिसर्च के मुताबिक, शायद मैं गलत भी हूँ, चांसेस बहुत कम थे। तो इसलिए मैंने फिर फाइनली डिसीजन लिया कि ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करते हैं। जनवरी में मेरे फरवरी के फर्स्ट वीक में मेरे फाइनल हुए बीबीए के। आई हैव डन बीबीए फ्रॉम द वेरी यूनिवर्सिटी, और मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में थी। और उसके बाद मैंने जो थी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना शुरू किया। तो मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता था कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन कंट्रीज़ में। अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो आप इंडिविजुअल जो अपने पोर्टल पे एप्लीकेशन आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, आपको किसी पैनल के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू जाना पड़ता है। तो फिर मैंने एजेंट तलाश करने को शुरू किया कि कोई रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और मतलब जो मतलब जिसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी हो। तो फाइनली मेरे आईडीबी का एक एजुकेशन उन्होंने एक कंडक्ट करवाया था, कंसल्टेंट उन्होंने एक एक्सपो कंडक्ट करवाया था मेरी मैरिड में। मैं वहाँ गया तो मुझे उन्होंने प्रॉपर गाइड किया, तो फिर मैंने उनके साथ प्रोसेस स्टार्ट कर लिया फरवरी के फर्स्ट वीक में। उसके बाद मैंने फरवरी के फर्स्ट वीक में मैंने अपना एड ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई किया, ट्रांसक्रिप्ट में नहीं आ गई। उसके बाद मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया डीकिन यूनिवर्सिटी जो मेलबर्न में है। उसके बाद कर्टन यूनिवर्सिटी है वो पर्थ में,
ये दोनों यूनिवर्सिटी चूज़ करने का मेरा बेसिक पर्पस ये था कि आइल्स के बगैर मैंने विदाउट मेरा जो एडमिशन है वो विदाउट आइल्स हुआ, क्योंकि मैंने आइल्स नहीं किया होता। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि ये थी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल वन की है पाकिस्तान में, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोफिशिएंसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर देती है, सर्टिफिकेट देती है, तो हम आपका एडमिशन कर लेंगे। खैर वो भी एडमिशन तब करेंगे, वो एक GT इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद ये आपको सारा कंप्लीट प्रोसेस मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा कि व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर्ड फॉर द ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा फॉर एजुकेशन, जितने भी एडमिशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, मैं इसके लिए अलहदा वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए। तो फाइनली मेरा एडमिशन हो गया डिग्री यूनिवर्सिटी में, और इसमें मैंने फीस डिपॉजिट की, फीस डिपॉजिट करने के बाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया। वीज़ा मैंने अप्लाई किया था 26 जून को, जून जुलाई अगस्त सितंबर 22 सितंबर आफ्टर 3 मंथ या 3.5 मंथ के बाद मेरा वीज़ा फाइनली। ये थी मेरी शॉर्ट सी वीडियो वीज़ा के ऊपर, मैंने वीज़ा कैसे हासिल किया, स्टूडेंट ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा कैसे लिया। और अभी मैं इंशाल्लाह जैसे ही ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, जैसे भी, ये थी मेरी शॉर्ट स्टोरी। मेरी एक मंथ से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं इसी अपने जो इंटरव्यूज़ वीज़ा के इंटरव्यूज़ और ऐसे जो लीगल डॉक्यूमेंटेशंस के प्रोसेस में बिजी था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। अब जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में जाता हूँ, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक मैक्सिमम कॉन्टेंट फॉर यू गाइज। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड है, अगर आपने भी कई फॉरेन कंट्री में ऑस्ट्रेलिया कैनेडा UK में अगर अप्लाई करना है फॉर मास्टर प्रोग्राम फॉर माई बैचलर प्रोग्राम, तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूँगा। तो मैं अपना जो है इंस्टाग्राम वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई होप के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।